नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। 67 किलोमीटर बनी नई सड़कें, 81 किलोमीटर रोड हुई पक्की। राहत और बचाव कार्यों के लिए चंबा को हिमाचल सरकार ने दिए 64 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न राहत और बचाव कार्यों के लिए राज्य सरकार की ओर से चंबा जिले को 64 करोड़ 30 लाख की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। बरसात के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 5 करोड़ 35 लाख रुपए का विशेष राहत पैकेज उपलब्ध करवाया गया है। इसके साथ ही जिले में जनवरी 2023 से लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों पर 205 करोड़ रुपए व्यय किए गए। इसके तहत 67 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण के साथ 81 किलोमीटर से अधिक सड़कों को पक्का किया गया। रिटायर्ड आईजी देवराज शर्मा बने हिमाचल लोक सेवा आयोग के सदस्य। राज्यपाल शिव प्रताप ने दिलाई गोपनीयता की शपथ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शनिवार को राजभवन में आयोजित एक समारोह में सेवानिवृत्त आईजी देवराज शर्मा को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित रहे। प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद देवराज शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई उसे बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि वो एक साधारण परिवार से ऊपर उठे हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। वो वरिष्ठ सहयोगियों के सहयोग से पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। सुक्खू का जयराम के बयान पर पलटवार, बोले विधायक निधि नहीं रोकी, भाजपा के पास कोई चिट्ठी है तो दिखाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने विधायक निधि नहीं रोकी है। उन्होंने पूछा कि भाजपा के पास कोई चिट्ठी हो तो बताइए। विपक्ष के आरोप पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने पलटवार किया कि ये लोग सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं कि विधायक निधि बंद हो। उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम जो दिसंबर में मिलना चाहिए था, विपक्ष के लोग उसे रुकवाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार इसे भेजा गया है। शनिवार को राजभवन परिसर में शिमला में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि जयराम ठाकुर बोल क्या रहे हैं। बीजेपी ने यूपी के विधायक को सौंपी हिमाचल की कमान। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से विधायक श्रीकांत शर्मा को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं संजय टंडन को लोकसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी लगाया गया। हिमाचल भाजपा के प्रभारी अभी अविनाश राय खन्ना हैं। सूत्र बताते हैं कि अविनाश राय खन्ना को भाजपा हाईकमान पंजाब की आनंदपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। विधायक निधि का क्षेत्र के विकास में अहम योगदान, इसे बंद करना तर्कसंगत नहीं, सुधीर शर्मा बोले। हिमाचल में विधायक क्षेत्र विकास निधि का बेहद अहम योगदान है, इसे बंद करना तर्कसंगत नहीं है। ये बात धर्मशाला में जारी बयान में विधायक सुधीर शर्मा ने कही। सुधीर शर्मा ने कहा कि विधायक निधि क्षेत्र के विकास संबंधित कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि का बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुधीर शर्मा ने कहा कि विधायक निधि की शुरुआत प्रेम कुमार धूमल की सरकार में हुई थी, जिसे सभी मुख्यमंत्रियों ने जारी रखा। रिज मैदान पर बॉलीवुड फिल्म के गाने की हुई शूटिंग, राज्यपाल ने सीखा हिमाचली वाद्य यंत्र रणसिंघा बजाना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में शनिवार को फिर से फिल्म की शूटिंग हुई। अभिनेता नाना पाटेकर, राजपाल यादव, उत्कर्ष शर्मा, अभिनेत्री सिमरत कौर के साथ स्थानीय लोगों ने भी अभिनय किया। इस दौरान फिल्म का गाना शूट किया गया। इसमें स्थानीय लोगों ने धातु रेष्टा सदरी पहाड़ी टोपी पहनकर अभिनय किया। नाटी के भी दृश्य कैद किए गए। पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल नगाड़ा रणसिंघा के दृश्यों को भी शूट किया गया। हिमाचल के छात्रों पर आई आफत, चुनाव की आहट में शिक्षा बोर्ड ने बदली डेटशीट, अब जल्द होंगे एग्जाम।
लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के अनुमान के साथ ही नई फाइनल डेटशीट प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बना दी है। डेटशीट में पेपर जल्दी निपटाने का दबाव साफ झलक रहा है। डेटशीट में पेपर जल्दी निपटाने की बात की गई है। आनन फानन में जब शिक्षा बोर्ड ने डेटशीट बनाई तो जमा दो की डेटशीट अधिसूचना में पेपर्स का समय रात्रि 8:45 से 12 रात्रि का दर्शाया गया। हस्ताक्षर करने वालों ने भी बिना पढ़े हस्ताक्षर किए और पूरे प्रदेश में अधिसूचना को लेकर सवाल उठ गए। आखिर शिक्षा बोर्ड 24 जनवरी को अलग से परीक्षा टाइमिंग की अधिसूचना जारी की। 700 स्ट्रीट लाइट से जगमग होगा शिमला। 12 डंपिंग साइट्स को भी बनाने की चल रही तैयारी। शहर के जंगलों को अवैध डंपिंग से बचाने के लिए नगर निगम ने 4 डंपिंग साइट्स बनाने को लेकर छोटी सड़कों से जुड़ी 12 डंपिंग साइट्स को भी बनाने की तैयारी कर ली। इसके तहत सरकार को भी प्रस्ताव भेजने के मसले पर सोमवार को होने वाली निगम की मासिक बैठक में चर्चा की जानी है। इसका प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा ताकि इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस जल्दी मिल सके। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को मासिक बैठक की जानी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के 30 करोड़ के लिए भाजपा ने धर्मशाला में 63 लगाया जाम। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के जदरांगल में बनने वाले कैंपस निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए की मांग को लेकर निकाली गई रोष रैली ने 63 कचहरी चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस दौरान कचहरी चौक से ना तो कोई भी गाड़ी कांगड़ा की तरफ जा सकी और ना ही कांगड़ा की तरफ से आ रही गाड़ी कचहरी चौक को पार कर सकी। 12:30 शुरू हुआ ये चक्का जाम 1:33 पर भाजपा नेताओं के भाषण के बाद खत्म हुआ। सीआरपीएफ जवान को सैकड़ों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर उपमंडल के भौरा गांव के सीआरपीएफ के जवान रजत कटोच का उनके पैतृक गांव भौरा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जवान को सैकड़ों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। चेन्नई में सेवारत रजत का वीरवार को हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। शनिवार को उनके पार्थिव शरीर को परिवारजनों सहित विमान से ग्रुप सेंटर चंडीगढ़ लाया गया। चंडीगढ़ से सीआरपीएफ के 13 बटालियन गार्ड के टुकड़ी के साथ पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में लाया गया। केरल भ्रमण के लिए 14 विद्यार्थी रवाना। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत जिले का एक शिक्षक और 14 विद्यार्थी केरल भ्रमण के लिए रवाना हुए। 9 दिनों तक इन विद्यार्थियों को केरल की संस्कृति रीति रिवाज शिक्षा को जानने का अवसर मिलेगा। इन विद्यार्थियों के साथ रघुनाथपुरा स्कूल के शिक्षक सुनील कुमार भी रवाना हुए। नूरपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 1 किलो से अधिक चरस के साथ नशा तस्कर हुआ गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत नूरपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने डेगबा में 1 किलो 104 ग्राम चरस के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चरस के साथ पकड़े गए आरोपी की पहचान चरणो रामपुत्र त्रिलोचन निवासी शिलपरी भरमौर के तौर पर हुई। डेरा में ट्रक की टक्कर में कार सवार दंपति की मौत। गंभीर रूप से घायल लड़की टांडा रेफर। मुबारकपुर रानीताल राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर डेरा में ब्यास पुल के पास एक सड़क हादसे में कार सवार दंपति की मौत हो गई जबकि 14 वर्षीय भांजी गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार मुकेश कुमार 38 वर्षीय अपनी पत्नी पल्लवी 33 वर्षीय और 14 वर्षीय भांजी सानवी निवासी नादौन के साथ चंडीगढ़ से अपने घर सलेहट डोहक डाकघर देहरिया ज्वालामुखी आ रहे थे। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।